धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पूजा साईं जी के निराले चोज, दूर दूर तक चर्चा का विषय बने हुए थे। बातें होती के फिफाना गांव में एक ऐसा बाबा आया हुआ है जो लोगों को पैसा सोना चांदी बांटता है। कोई कहता कि पाकिस्तान से कोई जासूस आया हुआ है। जो भी इन बातों को सुनता उनमें दर्शन करने की इच्छा पैदा हो जाती। फिफाना में सचखंड धाम करीब करीब तैयार हो चुका था। पूजा साईं जी तीसरी बार यहाँ पधारे हुए थे। उन दिनों सब डिवीजन नोहर के एसडीएम साहब श्री केजी राज अचानक गाड़ी लेकर दरबार में आ पहुंचे। बताते हैं कि वह असूलों का बड़ा सख्त आदमी था। उसने जब तरह तरह की बातें सुनी तो ख्याल आया कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। शंकावश वह भी सब देखने आ पहुंचा। जब वह अफसर दरबार में आया उस समय पूजा साईं जी चनों के खेत में बैठे हुए थे। वह पूजा साईं जी से मिलने के लिए सीधा ही जाने लगा तो सेवादार नियामत राम ने उन्हें टोकते हुए कहा कि बाबूजी संत महात्मा से इस तरह सीधा मिलना ठीक नहीं होता। पता नहीं वे किस ख्याल में हों, कई बार नुकसान उठाना पड़ जाता है। आप कहो तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ। अफसर ने हामी भर दी। बाद में पूजा साईं जी ने फरमाया, बुलाओ भाई। उस अफसर ने जब लोगों को मुफ्त में सोना चांदी रुपया पैसा बांटने के बारे में जिज्ञासा वश पूछा तो पूजा साईं जी ने फरमाया, हाँ भाई हम लोगों को यह सब बांटते हैं, पर यह धन दौलत हराम की कमाई नहीं है। आओ तुम्हें दिखाते हैं यह सब कहाँ से आता है। बताते हैं कि पूजा साईं जी उस अफसर को जमीन में खुदाई कर बनाई गई गुफा में ले गए और वहां थैले खोल कर दिखाए जिनमें बड़े बड़े कंकर रोड़े भरे हुए थे। फरमाने लगे कि हम ही नहीं हमारे सेवादार भी इन थैलों का सिराहना लगा कर सोते हैं और जमीन पर बोरी बिछाते हैं ताकि रात को नींद ना आए और भक्ति मार्ग में खलल पैदा ना हो। पूजा साईं जी ने उस अफसर को ऐसी कई हैरतअंगेज बातें सुनाई कि उस अफसर को यह यकीन हो गया कि लोग जैसी चर्चाएं कर रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। फिर उस अफसर को दो कंधारी अनार देते हुए वचन फरमाया, ये एक अनार अपनी औरत को देना और दूसरा तुम खाना। साथ आए पुलिस वालों को भी प्रसाद दिया गया। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी वेद प्रकाश बताते हैं कि जब वह अफसर प्रसाद लेकर घर आया तो उसके दिलो दिमाग में एक अजीब सी खलबली मच गई कि ऐसा संत तो कभी देखा ही नहीं जो खुद कष्ट सहता है और लोगों को सोना चांदी बांटता है। ऐसे विचार उनके दिमाग में तेजी से दौड़ने लगे। दो दिन बाद रविवार था। उस दिन वह अफसर अपनी पत्नी को साथ लेकर फिर दरबार में आ पहुंचा। पूजा साईं जी उस समय नहा रहे थे। वे बताते हैं कि पूजा साईं जी जब नहाते
तो एक बड़ा सा टब पानी से भर दिया जाता, जिसमें साईं जी बैठकर नहाते और सारा पानी इधर उधर बिखेर देते। खास बात यह भी थी कि पूज्या साईं जी कभी साबुन या अन्य किसी तरह की कोई वस्तु नहाने के दौरान नहीं लगाते थे, लेकिन फिर भी पानी में खुशबू इस कदर समा जाती कि पूरा वातावरण ही सुगंधित हो जाता। बाद में चवारे में दरी पर विराजमान होते हुए अफसर को बुलाने का हुक्म फरमाया। उस अफसर दंपति ने दोनों हाथ जोड़कर पावन चरण कमलों में अर्ज की कि बाबा जी हमें भी कोई सेवा बख्शो जी। बेटा क्या सेवा दें आपको, यहाँ जो सेवादार हैं ये आठ पहर की सेवा के बाद लंगर खाते हैं, पुत्र कभी वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। इसके बाद वे दोनों वहां से वापस घर चले गए। बताते हैं कि कुछ समय बाद किकरावाली गांव में दरबार पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया। जब यह मामला उस मैजिस्ट्रेट के पास गया तो उन्होंने सबत संज्ञान लेते हुए उन दबंगों को वहां से खदेड़ते हुए डेरा सच्चा सौदा की चमक को और निखार दिया। शायद इसी सेवा के लिए पूज्या साईं जी ने उन्हें वक्त आने दो के वचन फरमाए थे। एक दिन पूज्या साईं जी सचखंड धाम के बाहर वाली साइड में खड़े हुए थे। इस समय खेमचंद बाणिया, निहाल सिंह करीवाला, हरनेक भी पास में खड़े थे। तभी बहादुर सिंह सहारण बाहर से आता हुआ दिखाई दिया। वह पूज्या साईं जी के पास पहुंचा तो अपनी मौज में आकर आप जी ने सेवादारों को वचन फरमाया कि भाई बहादुर सहारण को प्रसाद दे दो। जब सेवादार प्रसाद लाने के लिए अंदर गया तभी दोबारा आवाज दी, भाई बहादुर सरपंच को प्रसाद ला कर दो। गांव वाले बताते हैं कि जब यह वाक्या हुआ तब वह ना सरपंच था और ना ही कभी पहले सरपंच के चुनाव में खड़ा हुआ था, परंतु पूर्ण रूहानी फकीरों का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। सतगुरु की ऐसी रहमत हुई कि बहादुर सिंह अगले प्लान में सचमुच ही अपने गांव का सरपंच चुन लिया गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।